ओके तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक जो है डिस्कस वेरियस मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय कंपनीज। तो जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बनाया था, जो प्रीवियस वीडियो जो क्लास हम लोगों ने करा था, उस क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक करा था उसी को यहाँ से फिर कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लोगों ने किया था, कॉन्सेंट्रेटेड, डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड, तो इन्हीं तीनों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एक तरीके से डिटेल में बताया गया है कि तीनों का मीनिंग क्या है विद एग्जांपल्स। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इसको समझ लेना है, डिस्कस वेरियस मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द कंपनीज, है ना। तो ऐसे कौन कौन से मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि कंपनीज अडॉप्ट करती हैं टू टारगेट देयर मार्केट। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। After the marketing managers have decided the entire market into smaller, divided the entire market into smaller segments, they evaluate the opportunities to select one or more segments to be targeted. है ना, तो आफ्टर जब वो लोग मार्केट को एक तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि ये हमारा सेगमेंट है, फिर वो हमारा सेगमेंट है, पूरे के पूरे मार्केट में मार्केट को ये लोग सेगमेंट वाइज सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं कि चलो इतने सारे सेगमेंट्स यहाँ पे निकले हैं। अब उन सारे सेगमेंट को डिवाइड करने के बाद अब इनका दिमाग में ये चल रहा होता है कि किस सेगमेंट को टारगेट किया जाए, उनका प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लिए ज्यादा सूटेबल होगा, कौन से सेगमेंट के लोग उसके प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंपनी अब एक तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेगी कि इस सेगमेंट को हमें टारगेट करना है, या दो सेगमेंट को हमें टारगेट करना है, या सारे सेगमेंट को हमें टारगेट करना है। तो दे वर्क ऑन दिस स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, कि क्या करना है उन लोगों को। They take decisions regarding which segment to be selected and how many segments to select, है ना? तो यहाँ पे वो लोग इसी बारे में सोचते हैं, इसी बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस सेगमेंट को टारगेट करना है या एक से ज्यादा सेगमेंट को टारगेट करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सेगमेंट और सेगमेंट्स टू लॉन्च द मार्केटिंग प्रोग्राम एंड सर्व देम रेफर्स टू द मार्केट टारगेटिंग, है ना। और ये जो लोग जिस मेथड के जरिए से जो हम लोग अभी करेंगे, जिस मेथड के जरिए से ये लोग मार्केट के सेगमेंट्स को टारगेट करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मार्केट टारगेटिंग। ठीक है ना, इसको एक तरीके से मार्केट टारगेटिंग बोला जा रहा है, सिंपल सा है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। After selecting the desired segments, marketing managers decide the marketing campaign to capture the market segment. They decide the market targeting strategy, which depends on the kind of product coverage taken by the firm for future. है ना, तो इस लाइन को समझने की जरूरत है। पिछला लाइन में वही बात बोला गया था कैप्चर करने का, बट अगला लाइन जो है, decide the market targeting strategy which depend on the kind of product, है ना, आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है और आप उस प्रोडक्ट को इन फ्यूचर कितने लंबे समय तक आप उसको चलाना चाहते हो। जैसे कि एक प्रोडक्ट का आपने सुना होगा पीएलसी होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। ठीक है ना, आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करा, फिर उसकी वो एक तरीके से ग्रो कर रहा है, फिर उसकी मैच्योरिटी होती है, टाइम पे वो आकर के बहुत ज्यादा बिक रहा होता है, फिर उसमें एक डिक्लाइनिंग फेज आता है जब उस लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देते हैं, कम करने लगते हैं, और एक टाइम पे आकर के वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप करोगे, टारगेटिंग स्ट्रेटेजी जो आपकी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है और उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हो, फ्यूचर जो है उसका कैसा होगा। अब जैसे कि 2 GB रैम का लैपटॉप अगर अभी मार्केट में कोई लेकर के आया है तो नोबडी विल बाय इट, बिकॉज इट हैज क्या बोले, 2 GB रैम में क्या ही होता है अभी के टाइम पे। मेरा खुद लैपटॉप 8 GB रैम का है, तो लाइक मैं प्रेफर नहीं करूंगा, जब 8 GB मुझे अवेलेबल मिल रहा है तो मैं 2 GB क्यों लेने जाऊंगा, राइट। तो आपका प्रोडक्ट जो है, लेकिन 2 GB का जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे वो बहुत चला था, है ना। तो उसी तरीके से जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो एक टाइम के लिए चलता है, फिर धीरे धीरे करके वो मार्केट से हटने लगता है, हट जाता है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी जो है काइंड ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। ठीक है, द प्रोडक्ट मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मैंने उसको बहुत ज्यादा डील नहीं करा था, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। पहला था कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, दूसरा था डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, और तीसरा था अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ, इट विल लुक गुड। अब ठीक है, ओके। So an organization follow concentrated marketing strategy when the resources are less and consumption is competition is high. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को तभी एक तरीके से फॉलो करती है, तभी इसको इम्प्लीमेंट करती है जब उनके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का मतलब वो तरीका, वो चीजें जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को
मार्केट में इजीली बेच सकते हो। रिसोर्सेज बहुत तरह का हो सकता है, आपके पास मैन पावर का रिसोर्सेज हो सकता है, ठीक है ना, लेबर का रिसोर्सेज, लेबर तो खैर मैन पावर में आ जाएगा, मनी का रिसोर्सेज हो सकता है आपके पास, मॉनेटरी, फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो, है ना। आपके पास अगर फाइनेंशियली आप कम स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग उस तरीके से नहीं कर पाओगे जो एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी कर पाएगी, फाइनेंशियली साउंड कंपनी कर पाएगी, ठीक है ना। मेरी छोटी कंपनी है, मुझे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के टाइम पे मैंने उसकी मार्केटिंग पे थोड़ा बहुत खर्चा किया क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे। पर कोई बड़ी कंपनी अगर रहेगी तो वो तो ज्यादा पैसे डालेगी ना उस पे, उनको ऊपर तो मार्केटिंग वो लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगी। तो यहाँ पे जब मेरे पास पैसे कम है तो मैं सोचूंगा जो मैं पैसे लगा रहा हूँ मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वो मैं कुछ इस तरीके से लगाऊं ताकि स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को टारगेट करे, ताकि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, राइट। तो ये चीज यहाँ पे होती है। इन दिस मार्केट, इन दिस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग मैनेजर्स डू नॉट फाइट फॉर अ स्मॉल शेयर इन लार्ज मार्केट, रादर दे कवर लार्ज नीश, है ना। तो इस स्ट्रेटेजी के तरीके से जो है वो लोग क्या है, डू नॉट फाइट फॉर अ स्मॉल शेयर, वो लोग जो है लार्ज मार्केट में स्मॉल शेयर के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि उनका जो स्ट्रेटेजी होता है वो इस तरीके का होता है कि वो लोग एक लार्ज नीश को टारगेट करें, है ना। तो नीश का मैंने मतलब आपको बताया था स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, कि आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हो, आपको उस चीज के ऊपर ध्यान देना, आपको अपने मार्केट शेयर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में नीश की बात हो रही है, यहाँ पे बड़े मार्केट को शेयर करने की बात, कैप्चर करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नीश की बात हो रही है। अब जैसे कि सपोज इंटेल का एग्जांपल ले लो, इंटेल जो है उसका नीश क्या है कि वो भाई प्रोसेसर बनाता है, सिंपल सा बात है, वो प्रोसेसर बनाता है। तो प्रोसेसर के लिए अभी के टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो AMD है, जो कि रिसेंटली लाइक उनका प्रोडक्ट जो है आना जो है स्टार्ट हुआ है, बट उसके पहले इंटेल का एक तरीके से मोनोपोली था, है ना। तो वो इसलिए था क्योंकि उनका नीश जो था वो वही था कि भाई उनको प्रोसेसर के ऊपर ही काम करना है, वो लोग और कुछ खास नहीं करते थे, सिर्फ उसी चीज के ऊपर उनका नीश था। तो उनको सिर्फ बड़े मार्केट, हालांकि अगर आपका नीश अच्छा रहे, नीश अगर स्ट्रांग रहे तो आपका मार्केट ऑटोमेटिक बड़ा बन जाता है, आपका आप कैप्चर ऑटोमेटिकली बहुत बड़े मार्केट को आप कैप्चर कर लेते हो क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हो उसी चीज में, कि आप उसी चीज को करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे इन लोगों का सिर्फ ये टारगेट नहीं था कि पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर करना है, बल्कि इनका ये टारगेट था कि मुझे नीश को पकड़ना है और नीश के ऊपर मुझे काम करना है, क्योंकि नीश को अगर मैं पकड़ लूंगा तो जितने भी मार्केट्स हैं, अभी तो लाइक ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो अभी मार्केट सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, राइट। तो हर एक जगह के लोग मेरे पास आएंगे क्योंकि मेरा नीश ये है, मैं इस चीज में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो पीपल विल कम टू मी, है ना। तो ये चीज यहाँ पे होती है। दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल स्ट्रेटेजी फॉर ऑल फॉर द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स। फर्म स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, एंड सो इट एंजॉयज ऑपरेटिंग इकोनॉमीज, है ना। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होती है। उनके पास पैसे कम होते हैं तो वो लोग डेफिनेटली इसी चीज को लाइक करने की कोशिश करेंगे, और इनका जो है जो फर्म हो जो होता है वो स्पेशलाइज हो जाता है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन में। एक कंपनी अगर डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट्स बना रही है तो डिफरेंट डिफरेंट उसके लाइक काम करने के लिए लोग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट उसके उसका डिपार्टमेंट होगा जो कि उस चीज के ऊपर काम करेंगे। बट सपोज आप अगर एक ही प्रोडक्ट, पूरी की पूरी कंपनी एक ही प्रोडक्ट को बना रही है, एक ही चीज के ऊपर उनका फोकस ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, आपका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि सपोज आप एक प्रोडक्ट को बना रहे हो तो एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर आपका 100 रुपए खर्च हो रहा है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि 100 रुपए कंप्लीटली आपका खर्च नहीं हो पाता, 10 रुपए आपका बच जा रहा है। तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाओगे तो 10 रुपए का तो आपका लॉस हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो बच गया, अब उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, बल्क में अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो, ऑर्डर आता है, तो ये जो 10 रुपए पहले प्रोडक्ट से बचा था इसका इस्तेमाल सेकंड वाले प्रोडक्ट में आ जाएगा, फिर सेकंड वाले प्रोडक्ट में 20 रुपए बच जाएंगे तो उसका इस्तेमाल थर्ड वाले प्रोडक्ट में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक होता है, मतलब आप यहाँ पे कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्ट को बना पा रहे हो। तो यहाँ पे कंपनी जो है इस चीज को एंजॉय करती है, इस चीज में उनको फायदा होता है क्योंकि वो लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन में। तो उसके कारण उनके अंदर ऑपरेटिंग इकोनॉमीज आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ही एक तरीके से पार्ट आप बोल सकते हो, ऑपरेटिंग इकोनॉमीज आती है, ऑपरेट करने में जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम होने लगता है। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि सपोज आरी है, रॉयल इनफील्ड है, आईशार मोटर उसको बना रही है, तो आईशार मोटर के पास लाइक बनाने का पूरा तरीका है, इस आरी को, रॉयल इनफील्ड को इस तरीके से मुझे बनाना है, उसके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा का पूरा उनके पास टेक्निक है कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है। बट कोई नई कंपनी सपोज मार्केट में आ रही है जो कि सेम
सेम मार्केट को टारगेट करने का कोशिश कर रही है। वो लोग भी सोच रही है कि हम लोग उसी तरीके का मतलब बाइक्स बनाएंगे जो कि थोड़ा आई कैचिंग होगा, थोड़ा सा हैवी बल्की होगा और जिसको लोग लगेंगे चला करके थोड़ा प्राउड फील करेंगे वैसा वाला कुछ। तो उस केस में क्या होगा कि जो नई कंपनी लॉन्च करेगी ना, उसको उस प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा खर्च पड़ जाएगा। सपोज आरी को एक प्रोडक्ट, आरी का एक मॉडल, एक प्रोडक्ट बनाने में सपोज 1 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, बेच रहा है वो 2 लाख रुपए में, तो दूसरी कंपनी जब उसको बनाने के लिए आएगी ना, तो उसको उस बनाने में उसको खर्चे ज्यादा लग जाएंगे। अब वो इसलिए होगा क्योंकि एक एक तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कैसे बनाना है। अगर वो लोग सारा एक्सपीरियंस गैदर करके करते भी हैं तो भी वहां पे उनका खर्च ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे खर्च होंगे जो कि क्या बोलो, नया लॉन्चिंग के टाइम पे ये चीज होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो कि लाइक करते करते पता चलता है। तो ये चीज रॉयल एनफील्ड आयशर मोटर के साथ नहीं होगा, क्योंकि उन लोग को एक्सपीरियंस है उस चीज का, वो लोग उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं काफी सालों से, तो दे नो कि कैसे जो है इन चीजों को मैनेज करना है। पर नई कंपनी के लिए वो दिक्कत होगी, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्ट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन के ऊपर, वो इतना अच्छा हो जाता है कि आप ऑपरेटिंग इकोनॉमीज को अचीव कर पाते हो, ठीक है। बट लार्ज कॉम्पिटिटर्स मे बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस मार्केट लुकिंग एट द प्रॉफिट पोटेंशियल। लेकिन जो लार्ज कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको बस इतना दिखता है कि उनका जो है प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, लेकिन छोटी कंपनी जो जो छोटे कंपनीज होती हैं उनको बस अपने नीच के ऊपर काम करना है। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अर्न अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन इन द मार्केट विद दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वही बात है कि आप अगर इस स्ट्रैटेजी को अपनाओगे तो आपका जो मार्केट में पोजिशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, बिकॉज यू विल बी फेमस फॉर वॉट यू आर डूइंग। अगर आप एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हो तो मार्केट में लाइक सब आपके बारे में बात करेंगे कि भाई ये कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है और बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बनाती है। तो आने वाले समय में सारे के सारे ऑर्डर्स आप ही को मिलने वाले हैं कि भाई आप ही मेरे प्रोडक्ट को बनाओ, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग मतलब ये हो गया। अगला है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि डिफरेंशिएटेड का मतलब हो गया कि आप अपने मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो। यहाँ पे भी इसका एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है, आगे करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। इन दिस स्ट्रेटेजी द मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड टू टारगेट वेरियस मार्केट सेगमेंट्स विद डिफरेंट मार्केटिंग ऑफर्स फॉर ईच सेगमेंट, है ना। हर एक सेगमेंट के लिए आप डिफरेंट मार्केटिंग ऑफर्स लेकर के आ रहे हो। अब जैसे कि हमारे जो सोसाइटी है इसको 3 भाग में बांटा आता है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, ठीक है ना। अपर क्लास लाइक जिनके पास पैसे थोड़े ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा खर्चे कर सकते हैं, वो लोग अपर क्लास के हो गए। लोअर मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास में हम लोग आ गए, जिनके पास लाइक क्या बोलूं, अंबानी जितने पैसे नहीं है, तो मिडिल क्लास वो हो गया जो ये होता है। और फिर लोअर क्लास जिसकी जिसकी आय, जिसकी इनकम जो है वो और भी कम है ना। तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो अपर क्लास वाला जो प्रोडक्ट है उसको तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अब जैसे कि एप्पल का फोन, हम लोग लाइक एप्पल का फोन मैं अब लेने की सोच रहा हूँ, बट कुछ साल पहले तक मैं एप्पल अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, ठीक है ना। तो ये इसलिए हो रहा था बिकॉज हमारी इनकम कम होती थी। तो यहाँ पे जो एक तरीके से जो जो डिवाइड है मार्केट में सोसाइटी का, कि लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और फिर ये अपर क्लास, ये मतलब प्रोडक्ट भी जो है कंपनी इन्हीं को ध्यान में रख करके एक तरीके से लॉन्च करती है। प्रोडक्ट तो तीनों के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एप्पल का फोन सिर्फ वही ले पाएगा जिसके पास पैसे ज्यादा है। जिसके पास थोड़े से कम पैसे हैं वो एंड्रॉयड चलाएगा, जिसके पास एकदम कम पैसा है वो भाई फीचर फोन चलाएगा, सिंपल सा बात है। तो इस तरीके से मार्केटिंग मार्केट जो है, जो कंपनीज होती है वो मार्केट को टारगेट करने का कोशिश करती है, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू गेट हायर सेल्स एंड अर्न अ डोमिनेंट पोजीशन इन ईच सेगमेंट, है ना। तो इस स्ट्रेटेजी का लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो लोग जो है मार्केट में एक तरीके से हायर सेल्स को अचीव कर सकें, और साथ ही साथ ईच सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट को वो लोग एक तरीके से डोमिनेट कर सकें। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हुंडई ऑफर सेंट्रो फॉर अपकमिंग मिडिल क्लास, ठीक है। सेंट्रो जो है अपकमिंग मिडिल क्लास के वो लोग एक तरीके से देने की कोशिश कर रहा है। एक्सेंट जीवीएस फॉर अपर मिडिल क्लास, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी होता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा था, बट यहाँ पे वो चीज भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उस बेसिस पे भी लोगों को मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट सर्व करने की कोशिश की जा रही है कि अपकमिंग के लिए भाई सेंट्रो ले लो, जो थोड़ा सा और अपर मिडिल क्लास का है वो लोग एसेंट जीवीएस ले लेगा, वीवा ले लेगा अपर क्लास, वीवा फॉर द अपर क्लास एंड सोनाटा गोल्ड फॉर द एलीट क्लास ऑफ कस्टमर्स, है ना। अभी अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेने जाओगे ना, तो क्रेडिट कार्ड की भी डिफरेंट डिफरेंट यू नो कैटेगरी है। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। आपका जैसा मार्केट होगा आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, जो जितना अफोर्ड कर पाएगा, सिंपल सी बात है। लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज दैट
it is very expensive as it requires high promotional budget to reach different market segments with varied marketing offers, है ना? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको इसकी मार्केटिंग के ऊपर बहुत खर्चा करना होगा, आपको इसका एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत खर्चा करना होगा। ये जो प्रमोशनल बजट की बात की जा रही है, जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो प्रमोट करने में जो खर्चा होगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो भी एडवर्टीजमेंट में खर्चा होता है कंपनी वो तो खुद से पे नहीं कर रही होती, वो लोग हम ही से लेती है ना, तो प्रोडक्ट भी महंगा होता जाता है। तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही होता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, प्रमोशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इन लोगों का, क्योंकि यहाँ पे ये लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे होते हैं, ठीक है? इट ऑल्सो इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर मार्केटिंग रिसर्च। अब यहाँ पे देखो मार्केटिंग रिसर्च का भी अलग से खर्चा हो गया, है ना, क्योंकि आप डिफरेंट मार्केट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग रिसर्च भी लगेगा ना, कितने सारे लोग हैं उस मार्केट में जिसको आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे खर्चा भी ज्यादा हो जाता है मार्केटिंग रिसर्च में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्चा होता है क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हो, डिफरेंट फॉरकास्टिंग मॉडल्स, इन फ्यूचर जाके आपका प्रोडक्ट किस तरीके से चलेगा नहीं चलेगा फॉरकास्टिंग आप करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे भी आपका एक तरीके से खर्चा हो जाता है कि इस प्रोडक्ट के बाद हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, तो फॉरकास्टिंग मॉडल्स में भी खर्चा होता है। वैरिड सेल्स एनालिसिस ये होता है, चैनल मैनेजमेंट एंड प्रमोशनल प्लानिंग, हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जो कि इस स्ट्रेटेजी के लिए डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के लिए एक ड्रॉबैक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तीसरा और आखिरी स्ट्रेटेजी है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है? यहाँ नाम से पता चल रहा है कि अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहा है, सबके लिए सेम, ठीक है? अनलाइक द टू स्ट्रेटेजीज डिस्कस्ड अबव, मार्केटियर्स डिसाइड टू कवर द एंटायर मार्केट इन दिस स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग मैनेजर्स डू नॉट सेगमेंट द मार्केट एंड इग्नोर द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, है ना? ये लोग मार्केट सेगमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनका जो जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंस करते हो कि ये आपका मार्केट है इसको आपको टारगेट करना है, ये लोग इस चीज को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं इस वाले स्ट्रेटेजी के तहत। दे डेवलप वन सिंगल मार्केटिंग ऑफर फॉर द होल मार्केट, है ना? तो वो लोग एक सिंगल मार्केटिंग ऑफर लेकर के आएंगे पूरे के पूरे मार्केट के लिए, जो अफोर्ड कर पाएगा करेगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं करेगा, है ना? जैसे कि एप्पल का एग्जांपल ले लो, एप्पल देखा जाए तो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाता है अभी, लेकिन स्टार्टिंग में जो उनका प्रोडक्ट का रेंज था वो इस तरीके का था कि वो लोग उसको सिर्फ एलीट एलीट नहीं मतलब अपर मिडिल क्लास या फिर जो एलीट लोग होते थे जिनकी सैलरी ज्यादा अच्छी होती थी वही लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे। बट अभी तो और ज्यादा डिफरेंशिएशन हो गया, अभी तो 60,000 रुपए पे भी फोन है, 80 पे भी है और 1,20,000 के आसपास भी फोन है, तो प्रो मैक्स जो भी उनका है अपना, तो ये लोग एक्चुअली उसी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसी स्ट्रेटेजी को वो लोग अपना रहे हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। बट एक टाइम पे उनका अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग चलता था क्योंकि वो लोग प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, उनका फोन का प्राइसेस जो है हमेशा हाई ही रहता था, नीचे में आपको मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो मार्केटिंग कॉस्ट इन दिस स्ट्रेटेजी इज लो एंड इट इज इजियर टू मैनेज। अब यहाँ पे जो मार्केटिंग कॉस्ट होता है यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है और प्रोडक्ट के ऊपर जो आप प्रमोशन करोगे, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा तो प्रमोशन भी कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो खर्चा होता है मार्केटिंग का वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना? तो लो होता है और इजियर टू मैनेज, आप इजिली इसको मैनेज भी बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना? मार्केटिंग मैनेजर्स कैन ट्रैक द मार्केट फोर्सेस यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया सिंगल, एक ही तरीके से वो लोग पूरे के पूरे मार्केटिंग फोर्स को एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? मार्केट उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना यूनिफॉर्मिटी की, एक ही तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं चलेगी, एक ही तरीके का चीज चलेगा। तो यहाँ पे चूंकि प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट एक ही किस्म का है, एक ही है एक्चुअली में, तो यहाँ पे जो जो उनको ट्रैक करने का जो तरीका होगा, जो उनको चलाने का तरीका होगा वो सिंपल होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना? ही फोकसेस ऑन द कॉमन पॉइंट्स रादर देन फाइंडिंग द डिफरेंसेस इन द मार्केट, है ना? ये लोग जो है कॉमन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि जो मार्केट में डिफरेंसेस है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। डिफरेंसेस तो होती हैं बट उसको ये लोग इग्नोर कर जाते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन रीचेस द बायर्स विद मास डिस्ट्रीब्यूशन एज एंड मास प्रमोशन, है ना? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अपने बायर्स के पास इस तरीके से जाती है कि इनके पास प्रोडक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि ये लोग बहुत ही आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इनका प्रमोशन भी बहुत ही मास लेवल पे होता है, बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। मार्केटियर्स फेस प्रॉब्लम इन फाइंडिंग कॉमन मार्केटिंग प्लान। Marketers face problem in finding a common marketing plan that can cater to the whole market, which includes customers with different characteristic and interest. यहाँ पे इसका एक drawback दिया गया है simple सा कि यहाँ पे common strategy plan कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि market में एक तरह का आदमी तो है नहीं, market में different different लोग हैं,
सारे लोग आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर ये चाहते हो कि सारे लोग आपके प्रोडक्ट को लें, सारे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें, तो उसके लिए आपको एक कॉमन मार्केटिंग प्लान लाना पड़ेगा जो कि सबके लिए सेम होगा और अफोर्डेबल होगा सबके लिए। तो ये यहाँ पे बात बोली जा रही है, ठीक है। तो एक कॉमन मार्केटिंग प्लान इनको बनाना होता है जो कि थोड़ा मुश्किल काम होता है इनके लिए। और कॉमन मार्केटिंग प्लान इसलिए बनाते हैं ताकि वो लोग पूरे के पूरे मार्केट को एक तरीके से केटर कर सकें, है ना, सर्व कर सकें कि भाई तुमको जो चाहिए वो मैं तुम्हें बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों का कैरेक्टरिस्टिक, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि सबको हम एक ही प्रोडक्ट दें, तो उसके लिए वो लोग कॉमन मार्केटिंग प्लान तैयार करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जो भी हम लोग कर रहे थे, ये हमारा डिस्कस वेरियस मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय कंपनीज। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू, स्टॉप शेयरिंग, ओके देन। तो ये लेक्चर भी खत्म हो गया, ओके। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे सैटरडे। कुछ पूछना रहे तो पूछ सकते हैं, रिद्धि, एनी क्वेश्चंस? नो सर, अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, ये वाला पीडीएफ मैं शेयर नहीं करा था, तो इसको मैं कर देता हूँ, ओके, ठीक है। सुनांदो, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ओके देखो, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। मतलब बुक्स जो आपने मेरे साथ वो शेयर किया था ना, वो बुक बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत रीडिंग करने पे ये हो जाएगा ना ओवरऑल? हाँ, MCO 1 और 4 का शायद मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ, हो जाएगा। वो जो ऑनलाइन जो बुक्स आपने डाउनलोड करा था ना, वो वाला वेबसाइट से आपने जो शेयर किया था, हाँ, राइट, ठीक है, हाँ, उससे हो जाएगा। यहाँ बुक्स में भी सेम सारी चीजें हैं, आपको बस उन सबको पढ़ना है थोड़ा सा। अब बाकी वीडियो जो मैं चैनल पे डाल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा उसको रिकैप कर लीजिएगा, उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, और वहां पे दोनों साइड करके थोड़ा बहुत करके हो जाएगा, ठीक है, ओके सर, ठीक है, हाँ, ओके देन, मिलते हैं अगले क्लास में, हाँ सर, बाय।